वेलकम टू आर्यन जावियन ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज है 27th रोज़ा और इस वक्त हम कर रहे हैं सहरी, और आर्यन को भी हमने जगाया क्योंकि उसने आज रोज़ा रखना था। कल लिया तो अभी मैं नमाज कर रहा हूँ, वो नमाज पढ़ रहा हूँ। दोस्तों तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब देखिए ब्लॉग का एंड हो जाता है तो मैं आपको बस रात को बाय बाय कर देता हूँ, फिर आगे का कोई व्लॉग नहीं था। अब उससे भी रात का व्लॉग है, अब उससे भी रात का व्लॉग है। तो अभी मैं नमाज पढ़ के फिर मैं बेड पर लेट के सो जाऊँगा, फिर हम सुबह उठ के फिर आप मुझे देखना कितनी ज़्यादा भूख लगी। सुबह मेरा रोज़ा है, आज मेरा फर्स्ट रोज़ा है। अजान स्टार्ट हो गई है। अजान स्टार्ट हो गई है तो मैं अजान वो नमाज पढ़ने वाला हूँ, फजर की नमाज। यार यान की पहली दफा फजर की नमाज हो गई है ना। फिर थोड़ा सा सुपारा पढ़ना है और फिर सोना भी है। अभी लाइटें ऑफ हो जाएंगी सारे। बल्कि ये वाली तो नहीं होगी सब तकेता भी तो नींद आएगी। गैरी तो यहाँ पे तो आर्यन की एक्साइटमेंट आप लोगों ने देख ही ली होगी, आज माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड थी ये देखने को कि वो किस तरह से रोज़ा रखेगा और क्या वो पूरा दिन रख सकेगा या उसे भूख प्यास लगेगी। तो बस देखते हैं बाकी कि वो कैसा रखता है आज का रोज़ा। जी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना पहला रोज़ा कौन सी एज में रखा था। और मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कब रखा था, लेकिन अगर आपको याद हुआ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मम्मा वैसे पेन लेके ना, क्यों ऐसे कि यहाँ तक या यहाँ तक लाइन लगाऊंगा है तो फिर ये पढ़ूंगा ना। जाना भी सोने का भी टाइम हो जाएगा, पढ़ो। जी तो अभी यहाँ पे हो चुका था जोहर की नमाज का टाइम, और अभी आर्यन जो है वो नमाज पढ़ रहा है और जावियन जो है वो दूध पी रहा था। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा कोशिश ये थी कि अगर वो रोज़ा रख रहा है तो वो साथ में नमाज़ लाजमी पढ़े। तो ये चीज़ उसके माइंड में हमेशा रहेगी कि जस्ट रोज़ा नहीं रखना होता, उसके साथ नमाज़ ज़रूर पढ़नी होती है। और बस उसने अल्हम्दुलिल्लाह जो है साथ साथ नमाज़ भी पढ़ी और रोज़े को भी अपने कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे जी अभी आर्यन का टाइम पास करवाने के लिए मैं उसे कह रही थी कि आप कार्ड्स बनाएं, तो यहाँ पे भी वो कार्ड्स बना रहा है शीशी मासी के लिए, हादी मौसी के लिए, और दीका खाला के लिए भी अभी उसने बनाना था। तो बस अभी उसने दो कार्ड्स बनाए थे। और अभी हम ये येलो कलर के शाइनिंग वाले ग्लिटर्स इस पे लंबे लंबे लगाने वाले हैं। सबसे पहले इनका पीछे वाला ये कवर उतार। आप बताएं ना, ये देखिए ये हो गया। अब इनको हमने पेस्ट करना है। एक मिनट जान, एक मिनट पहले मैं आपको बताऊंगी ना, फिर आप मुझे पेस्ट कर। अब मैं इसका भी उतारने वाला हूँ। कोई मुझे नहीं चाहिए। और अब मामू पेस्ट कर रही है, वन हमने कर लिया है एंड मेरे जो साइड वाली है ये हम काट देंगे। अब वन फिंगर गैप देखिए बस यहाँ पे चिपकाने है। दो मिनट, अब ये वाली लाइफ है। जी वो आइस क्लोज करें भाई, उसने कुछ ड्रॉ किया है। चले अब मैं इसको मैं चिपकाने वाला हूँ। ये आराम से इतनी स्पीड नहीं करनी, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। वन फिंगर गैप करें, गैप करें। ए उधर टेढ़ी हो रही है, आप सीधा पकड़ें। गैप आप खुद देखें ना, एक हाथ यूज करें ना। आज मेरे दो मिनट मम्मा यहाँ अच्छा जान थोड़ा सा
यहाँ का सीधा फर्न है, चले इधर भी वन है। मामा आप एक उंगली तो रखिए। अच्छा इतना ही आप देने। आपके पास भुया ये सीजर है, चले मैं इसको कट करता हूँ। आराम से आराम से, ये चिपक जाते हैं, ये ऐसे है, ये देखिए कैंची की भी चिपक जाती है। अब इसका भी हल्का सा काटने, इसके बाद पार दो आप या हम इसको कट करने वाले हैं खुद। नहीं मामा हेल्प करेंगे, ऐसे आपसे पूरा खराब हो जाएगा। आपने सिर्फ पेस्ट करना होगा। देखना मामा हम नया बना देंगे। मैं बस ये जो इसकी साइड वाली है ना, मैं बस वो काट रहा हूँ। मामा ने कट किया है चार। अब हम इसके बीच में हम ये वाला कलर लगाने वाले हैं, रेड कलर। ये इसके बीच में हम इसको पेस्ट करने वाले हैं। देखिए ये उतर रहा है। आराम से आर्यन, हट जाएगा। आराम से ही बात कर रहा हूँ। ये ले वन यहाँ। आराम से वन लग गया। मिनी सर्कल ये वाला चिपकाने वाला हूँ। समाक इधर ये तो यार चिपक गया। इतना आसान एक और। अब हम चिपकाने वाले हैं, बिना कुछ उतरेगा और ये फिर अब हम लगाने वाले हैं इसके बीच में। अब हम ये वाला लगाने वाले हैं, इसको हम उतार देंगे। ये उतर गया, अब इस भी हम लगाएंगे। ये खुद ईद लिखा है, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मुबारक। हल्का पेंसिल का वो नजर आ रहा है ना, कोई बात नहीं। तो डेकोरेट करना है। हाँ अंदर में लिख ले, ये शीशी मासी का कार्ड है ना। है तो मैं यहाँ पे आर्यन जो है अपने लिए क्या पेस्ट्री जो है वो डेकोरेट कर रहे हैं। इसको भी हादी मौसी उदिका खाला और शीशी मासी ने गिफ्ट्स ला के दिए हैं, क्योंकि इसने रोज़ा रखा था, जिसमें आर्यन के पास है पेस्ट्री, उसके अलावा खाने की इसकी सारी फेवरेट चीज़ें। पे आया है जावेन के लिए टॉय। जावेन ये क्या है? डॉग। इसको लेके आप बैठ चलाएं ना, मैं वीडियो इसकी बनाऊँ। बैठ चलाएं उस तरह। तो आज आर्यन ने रखा है रोज़ा, और उसके लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे कस्टर्ड। वो तो नहीं खाता शौक से, लेकिन हम वैसे कस्टर्ड बना रहे हैं जो कि हम सबको देंगे खाना खाने के लिए, मतलब तकसीम करने के लिए रफ्तारी के तौर पे। तो अभी हम कस्टर्ड रेडी करते हैं। तो हमारा रेडी हो चुका था, और अब मैंने इसके अंदर कस्टर्ड डाला है, उसके ऊपर क्रीम डाली है, और बल्कि सबसे पहले मैंने केक ऐड किया था, फिर कस्टर्ड, फिर क्रीम, और फिर अब केक डाला है। और इसके बाद अब मैं फिर इसके अंदर दोबारा से कस्टर्ड जो है वो डालने लगी, कस्टर्ड की लेयर डालूंगी बिल्कुल। और बस इसको फिर हम गार्निश करेंगे एंड में। और ये सब वो हैं जो हमने देने हैं अपने नेबर्स में। फाइनली यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हो चुका है, और हम लोगों ने डेकोरेट भी कर लिया है। और ये है जिसकी फाइनल लुक। इसके ऊपर हमने चॉकलेट सीरम भी डाला है थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। तो बस ये अभी हम इसको करने लगे हैं ठंडा होने के लिए, फ्रिज में रखते हैं, और फिर अफ्तारी से थोड़ी देर पहले जो है हम इसको मैं भूल जाती हूँ क्या बोलूँ, मोहल्ले में तकसीम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जी अभी आर्यन जो है वो असर की नमाज़ पढ़ रहा है, और बस थोड़ी सी देर रह गई इफ्तारी में। तो आर्यन की जितनी भी फेवरेट डिशेस थी या जो जो उसने हमें चीज़ें बोली थी, वो सब हम ऑलमोस्ट रेडी कर चुके हैं। और बस अभी हमने उसके लिए मंगवाए हैं विंग्स वगैरह, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, और उसने कहा था मेरे लिए इफ्तारी में आपने विंग्स लाजमी मंगवाने हैं। और अभी शीशी मासी और आर्यन मिल के नेबर्स में इफ्तारी जो है वो देने जा रहे हैं, क्योंकि बस थोड़ी सी देर रह गई है, फिर इसके बाद इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। और आर्यन की माशाल्लाह एनर्जी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, पहले दोपहर को थोड़ी बहुत सी लो हो गई थी, लेकिन अभी वो माशाल्लाह से काफ़ी एनर्जेटिक था। तो यहाँ पे जो हम आर्यन को सरप्राइज़ देने लगे हैं, उसे हम पहनाने लगे थे हार,
रोजेस के नाना जी नाना ने कहा था इसको बनाना ठंडा है। मजा आ रहा है। स्मेल कैसी है? नहीं प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। कैसा सरप्राइज मिला है? एक एक भाई को भी बनाए ना आप दोनों सेम से बना देना खुश बाबा पीछे भी ले ऐसे बनाए ना आप खुद बनाए ऐसे आप दोनों भाई इधर सामने बैठे मैं आप लोगों की पिक्चर लूं शाबाश भाई को साथ बिठाए ना ऐसे कैसे देखें स्माइल भी करें दोनों और आर्यन को जब सरप्राइज़ मिला तो आर्यन बहुत ज़्यादा खुश था। उसका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मुझे जो है ये फूलों के हार पहनाए जाएं। तो बस उसकी ये विश भी पूरी होगी और अभी उसकी बाकी की विशेज़ जो हैं वो भी वन बाय वन पूरी होने वाली थी जी। तो यहाँ पे अब हो चुका है इफ्तारी का टाइम और आर्यन माशाल्लाह से बहुत खुश था और बहुत एक्साइटेड भी था और अभी वो दिल में दुआएं भी साथ साथ मांग रहा था। और उसके अलावा ये कि जी हमें बहुत अच्छा लगा आर्यन ने रोज़ा कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट ईयर में वो कम अज़ कम दो रोज़े ज़रूर रखे और फिर ऐसा ऐसा इस तरह से वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो फिर उसके रोज़े भी हम थोड़े थोड़े ज़्यादा करते जाएंगे और उसको इस तरह से आदत हो जाएगी। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी और आर्यन को भी तौफीक दी कि वो रोज़ा रख सके। तो ये जी था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।